हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी आलू। और ये देखो, मैंने मेथी की गुच्छियाँ ली थी, और ये देखो जितनी मर्जी गुच्छी लो इसकी क्वांटिटी हमेशा कम हो जाती है। इसको मैंने पहले गुच्छी को लिया, इसको चॉप की इसकी डंडियाँ, फिर उसको मैंने अपना छोटे छोटे पीसेस में काटा, इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको सुखाया। सुखाने के बाद मैंने इसको ऑयल में थोड़ा सा सौते किया है, और सौते करने के बाद फिर मैंने ये आलू चॉप किए छोटे छोटे, और इनको फिर मैंने फ्राई किए, शैलो फ्राई किए। और शैलो फ्राई करने के बाद अब मैं इन दोनों को, ये कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है, और ऑयल गरम होने के बाद अभी मैं ये मेथी और आलू इसमें डाल रही हूँ, आप देख रहे हैं। और इसको अभी हम तेज़ गैस पे करेंगे। देखो बिल्कुल कुरकुरे बनाऊंगी। मेथी इतनी क्रंची बनी क्योंकि हमारे घर में मतलब कोई भी सब्ज़ी बनती है तो करारी बनती है, भुनी हुई बनती है, कच्ची नहीं बनती। तो हम फिर इसको बहुत अच्छे से करते हैं, भूनते हैं, ताकि एकदम क्रंची टेस्ट आए और टेस्टी लगे। बिल्कुल सबके अपने अपने घर का तरीका है बनाने का। हमारे घर का यही तरीका है कि वी मेक, चाहे वो भिंडी है, कोई भी चीज़ है, वो हम बिल्कुल क्रंची बनाते हैं। अभी मैं इसमें नमक, लाल मिर्च डालूँगी अपने टेस्ट के अनुसार। ये देखो, आप अपने, अगर ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा डालें, आप कम खाते हैं तो कम डालें। हम अपने अपने घर के हिसाब से डाल रहे हैं, तो ये देख लो। और मैं थोड़ी सी हल्दी भी डालती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है हल्दी, और वैसे भी हेल्दी होती है हल्दी डालना और खाना भी। ये देखो, अभी मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। ये देखो, मेथी हम चाहे जितनी मर्जी गुच्छियाँ ले लें, जब हम इसको काट के और सौते करते हैं तो हमेशा कम हो जाती है, पर बनती बड़ी टेस्टी है, करारी यम्मी। बड़े तो बहुत पसंद करते हैं, पर कुछ बच्चे भी पसंद करते हैं इनको। और आप इसको परांठे के साथ खाएं तो इट्स रियली यम्मी। तकरीबन आप ट्रैवल कर रहे हो तो मेथी आलू हमेशा आप ट्रेन में लेके जाएं तो कभी ख़राब नहीं होते। स्कूल में भी बच्चे टिफिन में लेके जाएं तो भी ये ख़राब नहीं होती, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर तो पड़ते ही हैं, तो गर्मी में यही एक चीज़ होती है जैसे मेथी ख़राब नहीं होती, क्योंकि उबली भी होती है और सौते भी की होती है। आलू भी गले हुए हैं, मेथी भी गली हुई है, तो ये देखो हमारी सब्जी रेडी है बिल्कुल। अभी इसको मैं तेज़ गैस पे थोड़ा सा भून लूँगी ताकि इसमें क्रंची इफ़ेक्ट आ जाए, और ये रेडी टू सर्व हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।